नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। भारतीय घरों में सबसे ज्यादा सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। खाने से लेकर कई आयुर्वेदिक दवाइयों में सरसों के तेल का इस्तेमाल करना लाजमी है। वहीं सरसों का तेल खाने के स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। नाक बंद होने पर कई लोग सरसों का तेल नाक में डालने की सलाह देते हैं। वहीं सरसों के तेल में कई एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। नाक में सरसों का तेल डालने से कई सारे फायदे होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, छींक, सांस लेने में परेशानी, जुखाम आदि से राहत मिलती है। अगर नाक बंद हो तो आप दिन में 3 बार सरसों तेल की कुछ बूंदे नाक में डालें तो आपकी परेशानी जल्द खत्म हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कफ की शिकायत होने पर भी नाक में तेल जरूर डालें। इससे कफ की शिकायत से तुरंत राहत मिलती है। नाक में सरसों या फिर कोई अन्य तेल जैसे कि बादाम, जैतून या तिल का तेल डालने से आपके आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है। कफ, वात और पित्त दोष को संतुलित करने के लिए नाक में तेल डालने की सलाह दी जाती है। स्ट्रेस से राहत पाने के लिए भी आप नाक में तेल डाल सकते हैं। वहीं अनिद्रा की शिकायत से राहत पाने के लिए आप नाक में तेल की कुछ बूंदे रोजाना जरूर डालें। वहीं आपको बता दें कि नाक में तेल डालने से कोई गंभीर नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आपको किसी तीव्र गंध से एलर्जी है तो नाक में ऐसे तेल न डालें जिसमें सुगंध आती हो। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं अगर नाक में तेल डालना चाहती हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।